भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे नरेला विधानसभा अंतर्गत संजीव नगर से नेवरीलाल घाटी मार्ग तक के बहुप्रतीक्षित सड़क का लोकार्पण। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दी जानकारी। आज भोपाल वासियों को मिलने जा रही बड़ी सौगात। मंत्री सारंग वर्षों से लाल घाटी से नेवरी गांव होते हुए संजीव नगर और एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी समस्या थी। मंत्री सारंग आर्मी क्षेत्र के बीच में इस सड़क की मांग लंबे समय से चल रही थी। मंत्री सारंग 2008 से सड़क निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे थे, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय से विशेष स्वीकृति ली गई। सड़क निर्माण से क्षेत्र के साथ ही संपूर्ण भोपाल वासियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वैकल्पिक सड़क मिलेगी। सड़क से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 7 किलोमीटर कम होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम 6 बजे करेंगे लोकार्पण। करोड़ चौराहे से निकलेगा भव्य रोड शो। निश्चित रूप से आज नरेला विधानसभा और भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात लोकार्पित होने वाली है। सालों से लाल घाटी से नेवरी गांव होते हुए संजीव नगर और उसके बाद एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी। आर्मी के क्षेत्र के बीच से रोड की मांग लंबे समय से चल रही थी। 2008 से भी मैं इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा था, क्योंकि इस रोड के बनने से करोड़ क्षेत्र नरेला विधानसभा के लोगों को तो फायदा होना ही था, संपूर्ण भोपाल के नागरिकों को एयरपोर्ट पहुंचने की एक वैकल्पिक सड़क भी मिल रही है, जिसमें लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी एयरपोर्ट की बचेगी। हमने प्रयास किया, लगातार प्रयास के बाद ये सफलता मिली और आर्मी ने भी हमें एनओसी दी। उनकी भूमि मध्य प्रदेश सरकार को हस्तांतरित हुई और वो रोड बनकर तैयार हो गई। लाल घाटी नेवरी मंदिर के सामने से ये रोड शुरू होगी और नेवरी गांव संजीव नगर होती हुई एयरपोर्ट तक जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शाम को 6 बजे इस रोड का लोकार्पण कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ी सौगात नरेला विधानसभा और भोपाल वासियों को मिल रही है। आज शाम को 6 बजे माननीय मोहन यादव जी का करोड़ क्षेत्र में रोड शो भी होगा और उसके बाद विशाल सभा के माध्यम से वो नेवरी मंदिर से लेकर और एयरपोर्ट तक की रोड का, संजीव नगर तक की रोड का लोकार्पण करेंगे। सर, कमलनाथ जी ने जबलपुर लोकसभा सीट लड़ने से मना कर दिया है। कमलनाथ जी की तैयारी थी कि जबलपुर लोकसभा। आप केवल कमलनाथ जी की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का कौन आदमी है जो चुनाव लड़ना चाहता है? अभी तो देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस 29 मध्य प्रदेश की लोकसभा घोषित भी कर पाएगी क्या? और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में यही स्थिति है। कांग्रेस के साथी भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में रहने वाले कार्यकर्ता भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। सूची रेट ढूंढते रह जाओगे जैसा मामला है। कोई लड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि मालूम है कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसकी जमानत भी कांग्रेस की के कार्यकर्ता की बचेगी नहीं। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।